क्या इंडिया गठबंधन की ओर से जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था? इन दिनों इस सवाल पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया था कि नीतीश को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद की पेशकश की गई है। अब कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है। पहले बता दें कि केसी त्यागी ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में क्या कहा था। केसी त्यागी का कहना था कि राजनीति का खेल ऐसा है कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्र संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, अब वे नीतीश को पीएम बनाने की पेशकश कर रहे हैं। जेडीयू के सीनियर नेता ने कांग्रेस और दूसरे दलों पर नीतीश कुमार के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में वापस नहीं लौटेगी। मालूम हो कि 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए गठबंधन में बीजेपी की अहम सहयोगी के रूप में उभरी है। अब कांग्रेस ने इस पर रिएक्शन दिया है। शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने भी एनडीए की जीत को पीएम मोदी की नैतिक हार करार दिया और चुनावी नतीजों का श्रेय जयराम रमेश ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिया। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ये जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है। ये जीत है संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। और राहुल जी ने आज बैठक में यही दोहराया कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभियान हमने चलाया था, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने प्रचार किया था, जाति जनगणना को लेकर जो हमने बार बार कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने इसका जिक्र किया, किसान न्याय को लेकर जो हमने गारंटियां दी हैं, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया, ये सब हमारे रेजोल्यूशन में शामिल किया गया है। आज के बैठक में भावना सकारात्मक था, मनोबल बड़ा है। ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक महाबूस्टर डोज है। ये प्रधानमंत्री जो अभी कल प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण हो रहा है, अभी तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही हैं, उनके लिए व्यक्तिगत, नैतिक और राजनीतिक हार है। नीतीश पर बढ़ गई एनडीए की निर्भरता। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसके साथ टाइगर जिंदा है लिखा है। पोस्टर पर लिखे संदेश से ये स्पष्ट होता है कि मतदाताओं के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। पार्टी नेताओं के एक वर्ग की राय है कि नीतीश कुमार को टाइगर कहना पूरी तरह से उचित है, क्योंकि ये साबित हो गया है कि उनका जादू बरकरार है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने में जेडीयू की जरूरत है। हालांकि बिहार में एनडीए के दोनों सहयोगी दलों में भाजपा और जेडीयू ने 12-12 सीटें जीती हैं, लेकिन भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिली। इसके चलते जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों पर बीजेपी की निर्भरता बढ़ गई है।